हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमारे भारत में तेजस एयरक्राफ्ट के पर यूनिट कॉस्ट को फाइनल किया गया है। जी हाँ, मतलब पर यूनिट कितना लागत रुपए आएगा ये फाइनल हो गया है। और ये 48,000 करोड़ कहाँ कहाँ लगाया जाएगा और ये हमारे तेजस MK-1A वेरियंट के साथ अन्य एयरक्राफ्ट कॉस्ट को लेके भी आज हम ये कंटेंट में तुलना करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को 83 तेजस MK-1A वेरिएंट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है। और ये एयरक्राफ्ट को हमारे देश के अंदर मेक इन इंडिया के तहत रैपिडली डेवलप करने के लिए 48,000 करोड़ बजट रुपया भी बिल पास किया गया है। और यहाँ पर ये टोटल 48,000 करोड़ बजट में से 45.696 करोड़ रुपया तेजस MK-1A वेरिएंट के डिजाइन और डेवलप के लिए और 1,202 करोड़ रुपया यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मैन्युफैक्चर यूनिट को मॉडिफाई करने के लिए खर्चा किया जाएगा। और ये प्रोग्राम के अंदर टोटल 83 तेजस MK-1A वेरिएंट में से 73 यूनिट को MK-1A फाइटर जेट और 10 यूनिट को टेनर एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया जाएगा। मतलब यहाँ पर यह हो गया कि प्रत्येक यूनिट तेजस MK-1A वेरिएंट के कॉस्ट लगभग 550 करोड़ रुपया, जो कि अमेरिकन डॉलर में 75 मिलियन USD होता है। और यहाँ पर कॉस्ट पहले की गई कल्पना से बहुत ऊपर है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर हमारे चैनल ने तेजस MK-1A वेरिएंट पर यूनिट को डेवलप करने के लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए 599 करोड़ रुपया का डिमांड किया है। जी हाँ, मतलब ये अमेरिकन डॉलर में 81 मिलियन USD होता है। मतलब डायरेक्ट HAL यहाँ पर यूनिट तेजस MK-1A वेरिएंट को डेवलप करने के लिए करीब 12% ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाएगा। जी हाँ, लेकिन अभी ये तेजस MK-1A वेरिएंट का कॉस्ट को लेके ये स्पष्ट हो गया है। पिछले वर्षों में 2019-2018 में कॉस्ट को लेकर मीडिया पे बहुत सारे बात सुनने को मिल रहा था। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि ये 83 तेजस MK-1A वेरिएंट को पावर देने के लिए 100 प्लस यूनिट F404 इंजन के लिए एक सौदा भी हो सकता है। नहीं, यहाँ पर यह सौदा जरूर होगा, क्योंकि हमें ये इंजन यहाँ पर जरूरत है, जिसके लिए हमारे भारत के तरफ से अमेरिकन कंपनी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक के साथ TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हमारे भारत में ये इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक कदम भी उठाया है। तो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर हम तेजस MK-1A वेरिएंट कॉस्ट को लेके कोई दूसरे एयरक्राफ्ट कॉस्ट के साथ कंपेयर करें तो सो फ्रेंड्स, इसी तरह लेटेस्ट डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और ऑल पर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम पहले हमारे SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट को देखें तो इसका मूल्य करीब 62 से 63 मिलियन, मतलब 430 करोड़ के आसपास होता है। यहाँ पर F-16V का ये वेरियंट का कॉस्ट 121.8 मिलियन, जी हाँ, जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा हो। जी हाँ, और अब F-16V वेरिएंट का कॉस्ट लगभग 140 मिलियन तक पहुंच गया है। जी हाँ, और JF-17 ब्लॉक 1 का बात करें तो 2009 में जो 19 से 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर था, और ये सस्ते रेट को देखते हुए पाकिस्तान उसी टाइम ये एयरक्राफ्ट को खरीद लिया था। और यहाँ पर JF-17 के ब्लॉक 2 वेरिएंट का कॉस्ट 25 से 30 मिलियन तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पर नाइजीरिया ब्लॉक 2 वेरिएंट के 3 यूनिट को 184.3 मिलियन USD के साथ खरीदा है। जी हाँ, मतलब नाइजेरियन एयरफोर्स को यहाँ पर ब्लॉक 2 वेरिएंट का पर यूनिट का कॉस्ट करीब 61+ बिलियन के आसपास आया था। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट का कॉस्ट अभी तक बाहर नहीं आया है, लेकिन इसका कॉस्ट शायद 65 से 17 मिलियन के आसपास हो सकता है। अगर यहाँ पर हम ग्रिफन का CD वेरिएंट का बात करें तो 60 मिलियन से 63 मिलियन के आसपास आता है, और प्रोडक्शन के बाद इसका कॉस्ट करीब 81 मिलियन तक पहुंच गया है। और ये ग्राइपेन ई वेरिएंट का कॉस्ट भी यही कॉस्ट के आसपास आता है। तो ये 2020 का रिपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारे इंडियन एयरफोर्स ने 336 करोड़ रुपए, जो कि अमेरिकन डॉलर में 49 मिलियन तक होता है, तो पर यूनिट कॉस्ट फॉर तेजस MK-1A वेरिएंट की खरीद किया है। जी हाँ, लेकिन भाई यहाँ पर हम ये तेजस MK-1 वेरिएंट को पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 वेरिएंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम MK-1 वेरिएंट को ऐसे डेवलप किए हैं कि यहाँ पर हम ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक को इस्तेमाल किए हैं जो कि पाकिस्तानी JF-17 का ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी बीट कर सकता है। जी हाँ, यदि यहाँ पर कोई एयरक्राफ्ट को पावरफुल कहा जाता है तो हैवी इंजन, हैवी एवियोनिक, हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स और हैवी वेपन के साथ उसे पावरफुल कहा जा सकता है।
और इतनी सारी टेक्नोलॉजी किसी एक ही देश के पास नहीं हो सकता है, जिसके कारण एक फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए किसी भी देश फाइटर एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी तो डेवलप कर लेता है, मतलब ये कंपोनेंट को कहां कहां पर लगाया जाएगा, एक फाइटर प्लेन को डेवलप किया जाएगा, लेकिन ये जो कंपोनेंट स्पेयर पार्ट को मैन्युफैक्चर कहां पर किया जाएगा, इसके लिए दुनिया के बहुत सारे कंपनी, जाने माने कंपनी दूसरे देश से एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स खरीदते हैं और एयरक्राफ्ट को बिल्ड करते हैं। और पूरा दुनिया के साथ चाइना का तो रिलेशन सबसे बहुत ही बढ़िया है, तो आप ये कह सकते हैं कि चाइना को अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स एवियोनिक मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था टॉपिक, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा, बड़ा दर्शक दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।